बिना गूथे, बिना ईस्ट के, बिना ओवन के आज हम गेहूं के आटे से ब्रेड बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तुलसी और मेरे रसोई में आपका स्वागत है। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा और इसके प्रिपेरेशन टाइम भी बहुत कम है। यहाँ पर मैंने 1.5 कप गेहूँ का आटा लिया है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ज़रा सा, और 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। यह है धागे वाला मिश्री। चीनी के मुकाबले मिश्री ज़्यादा हेल्दी होता है, इसलिए हम मिश्री का इस्तेमाल करेंगे। इसे तोड़कर हम इसका पाउडर बना लेंगे। मिश्री के पाउडर का मैंने 2 चम्मच इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसमें पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 1.5 कप आटा लिया था तो उसी हिसाब से 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग सोडा डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। मिल्क पाउडर डालने से ब्रेड में एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, तो मिल्क पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब हम ब्रेड बनाने के लिए मोल्ड को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लेन पेपर लिया है। पेपर में ऐसे मोल्ड से मार्क कर लेंगे और चारों साइड से ऐसे काट लेंगे और मोल्ड में पेपर को ऐसे साइज करके रख लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इस तरह प्लेन पेपर से बनाकर भी रख सकते हैं। सेम बटर पेपर का काम करता है ये भी। देखिए, हमारा मोल्ड तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से चारों तरफ से लगा लेंगे। डो तैयार करने से पहले ऐसे मोल्ड को पहले तैयार करके रख लें, क्योंकि जैसे ही डो तैयार करेंगे उसे तुरंत ही बेक करना होता है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर मिक्स करते जाएंगे। इसका हमें बैटर नहीं तैयार करना है। डो से हल्का सा लूज रहना चाहिए। देखिए वीडियो में इसकी कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ा होना चाहिए और डो जैसे इकट्ठा रहता है उसी तरह रहना चाहिए, पर डो से थोड़ा सा लूज होता है ये। दूसरी तरफ मैंने कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि हम इसे कुकर में बेक करेंगे। जैसे ही अच्छे से ये मिक्स हो जाए तुरंत ही हम इसे ब्रेड मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ऊपर से गीले हाथ से हल्का सा चिकना कर लेंगे। ब्रेड के ऊपर मैंने थोड़ा सा फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी की बीज डाल दिया है। फ्लैक्स सीड बहुत हेल्दी होता है, इसे अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसकी जगह आप तिल भी डाल सकते हो। कुकर में मैंने एक लोहे का स्टैंड रख लिया है। कुकर हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। ब्रेड को हमें 30 मिनट के लिए बेक करना है। पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पर बेक करेंगे और बाद में फ्लेम को स्लो कर देंगे। कुकर की सीटी को मैंने अलग कर लिया है। 30 मिनट बाद देखिए हमारा ब्रेड कितना अच्छे से फूला है, ऊपर तक आ गया है फूलकर। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से फूला है और कितना अच्छा कलर आया है। आप इसे घर पे आराम से बना सकते हो। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल या बटर ब्रश कर देंगे ताकि ऊपर से ब्रेड हार्ड ना हो। एक साफ कॉटन के कपड़ा में हल्का सा पानी स्प्रिंकल कर देंगे और इसके ऊपर ढक देंगे। ऐसा करने से ब्रेड हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। इसे हम ऐसे ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक के बटन को जरूर दबाएं। अगर पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब हम इसे स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। आप चाहें तो मोटा पतला जिस साइज में कट कर सकते हैं। मार्केट की ब्राउन ब्रेड से घर की बना ब्राउन ब्रेड ज़्यादा हेल्दी भी होता है, क्योंकि आप इसे किस चीज़ में बना रहे हो आप जानते हो, और टेस्ट में भी बेहतर होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एकदम फ्रेश होता है। हमने इसे बिना ईस्ट के बनाया है, फिर भी कितना अच्छा जाली आया है। देखिए एकदम स्पॉन्जी बना है। इसे आप घर में आराम से बना सकते हो। घर में बना ब्रेड बहुत हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आप अगर मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इसे बनाएं और चाय के साथ एंजॉय करें। थैंक यू।